हिमाचल में तय हुआ सत्ता का सेमीफाइनल, अगले महीने होंगे हिमाचल में बाय इलेक्शंस। हिमाचल में 3 विधानसभा और मंडी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 30 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा अर्की, जुब्बल कोटखाई और कांगड़ा के फतेहपुर में वोट डाले जाएंगे। वहीं मंडी में भी इसी दिन वोटिंग होगी। 2 नवंबर को चुनावों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं आचार संहिता के चलते सीएम जयराम ठाकुर का किन्नौर का दौरा रद्द हो गया है। यहां पर मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम तय था। चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल में 30 अक्टूबर को मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इससे पहले चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी 8 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बाद में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और फिर 2 नवंबर को काउंटिंग के बाद चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। हिमाचल में शिमला जिले के जुब्बल कोटखाई में भाजपा के विधायक नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। वहीं कांगड़ा के फतेहपुर में कांग्रेस विधायक सुजान सिंह पठानिया का भी निधन हो गया था। वहीं हाल ही में सोलन के अर्की से विधायक रहे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का भी बीमारी के बाद शिमला में निधन हो गया था और मंडी की सीट भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद खाली हो गई थी। ये चारों सीटें काफी समय से खाली चल रही हैं। ऐसे में अब हिमाचल में फिर से चुनावी सरगर्मियां होने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश में साल 2022 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इन उपचुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इनके परिणाम से विधानसभा चुनावों की दिशा तय होगी। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भाजपा के लिए यह चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा और कांग्रेस की वापसी की राह भी इसी से तय होगी।